वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जावेद, कुछ क्रिकेट की तरफ आते हैं। सैटरडे को मैच 5 से 7 5 बजे शुरू होगा, सॉरी 7 बजे शुरू होगा। ये बताएं कि जो आज मैच हुआ कोलकाता में हुआ, इसी टाइमिंग्स में हुआ जिन टाइमिंग्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच, आज के मैच से कोई क्लू मिला आपको कि सेकेंड इनिंग्स में ड्यू होगा? बिकॉज दिलशान ने अपनी एंड ऑफ द मैच स्पीच में बोला कि हमें जरा सी एडवांटेज मिली कि ड्यू था तो अफगानिस्तान के बॉलर्स इतनी अच्छी ग्रिप नहीं कर सक रहे थे। मतलब इवन श्रीलंका हैड टू एडमिट कि कुछ हमें ड्यू फैक्टर की वजह से हम बच गए, लेकिन द फैक्ट इज कि ड्यू था। तो ऐसे मौके के ऊपर डू यू थिंक पाकिस्तान शुड ट्राई एंड बॉल फर्स्ट? ऑल्दो हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, हमारी चेजिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 2014 एशिया कप में याद है हमने चेस करते हुए इंडिया को हराया था। तो इट्स नॉट के हम हरा नहीं सकते, हमारी ख्वाहिश ये रहती है, बट विद द ड्यू फैक्टर कमिंग इन एंड शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, हमारे पास दो स्पिनर्स तो यही हैं, इमाद वसीम अगर खेलता है, अगर नवाज खेलता है, तो हमारे पास कम से कम 10 ओवर्स ऐसे होंगे जो स्पिनर्स कराएंगे। देखिए, इसका जैसे कल मैं बता देते हैं कि आज भी कि हमें अगले मैच के लिए प्रिपरेशन जो है पाकिस्तान को करने चाहिए कि पता है कि जी ये तो टॉस के ऊपर है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो विन द टॉस इज अप टू हिम कि पहले बॉलिंग करे या बैटिंग करे। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करने चाहिए, अगर वहां ड्यू फैक्टर है तो आप उसके लिए यही है कि जैसे मैंने पहले भी सजेशन दोपहर को मैं कह रहा था कि गीली बॉल करके ये जब नेट प्रैक्टिस में जाए तो हमारे लड़कों को चाहिए कि बॉल को गीला करके ना बॉलिंग करें। क्योंकि मैं जब यहाँ इनके साथ कोच था तो हम जो पंजाब में खेल रहे थे तो फैसलाबाद में हमारा शायद मैच था, तो आई डिड द सेम थिंग इवनिंग में, हमने मैचेस जो था क्योंकि वहां तो 3-4 बजे के बाद ये, तो उसके बाद है ना मैंने बाल्टी ली, पानी भर के सारी बॉलर डाल दी मैंने, और नेट प्रैक्टिस हो रही थी हर बॉलर को कि इससे गेंद करो गेंद करो, कुछ नहीं तो आपको आइडिया तो हो जाएगा। अगर ये आप करके ना जाए और अचानक आपको ये चीज वहां मिल जाए तो यू डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा, एक बात बताए तो यूज टू होना चाहिए कि चले प्रैक्टिस कर ली, यूज टू हो गए, लेकिन अगर टॉस जीता एंड कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस दैट आई एम मेंशनिंग, डू यू थिंक पाकिस्तान को रिस्क लेना चाहिए और बॉल फर्स्ट करना चाहिए? क्योंकि जितना ड्यू को अवॉइड करें, बिकॉज 10 ओवर आपके स्पिनर्स ही कराएंगे, तो एक रिस्क लेना चाहिए आपके ख्याल में? इतना देखिए बड़ा करके फेस करें, बिल्कुल आप अगर समझते हैं अगर इतना ज्यादा ये है तो देन फिर विदाउट थिंक के आप, क्योंकि अगर वो टॉस जीत जाते हैं तो जस्ट पुट इट इन दिस वे, ठीक है ना, तो इसके ऊपर नहीं, मगर एडवांटेज अगर है तो आप एडवांटेज लें जरूर, बोल्ड होके लें, अब उसमें हेजिटेट ना करें आप, क्योंकि हार जीत तो खेलने के बाद होती है। एक तो पहले से ले लिया, फैसला ले लिया तो आपने ले लिया, आप अगर माइंड सेट कर लें कि ठीक है यार ये है और वाकई हमें प्रॉब्लम होगी और होती है, क्योंकि एंड में अगर गीला ग्राउंड हो तो फिर फील्डर्स के लिए भी इतनी आसान फील्डिंग करना नहीं है। और आज ये देख रहे अफगानिस्तान के फील्डर्स से 2-4 बाउंड्रीज छुटी बिकॉज स्लिप हो गई और बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, बॉलर को कंट्रोल करना, क्योंकि फिर ट्रेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। गीली विकेट अगर स्पिनर गेंद भी कर रहा है तो गेंद जो है ना और फिर विकेट के भी ऊपर भी तो मॉइस्चर होगा। हमने देखा ना राशिद और मोइन को गेल ने किस तरह उठा उठा के मारा इस पे। सॉरी जावेद, आपकी जरा बात इंटरप्ट करूंगा, हमारे साथ एक कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा? जी वालेकुम सलाम जी, परवेज बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे? कराची से बात कर रहा हूँ। परवेज बोले, जावेद से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जावेद भाई से भी कुछ कहूंगा और कुछ मैं और मैं अपने थोड़े से कमेंट भी दूंगा। तो ये है कि जैसे अभी मैं सुन रहा था कि क्रिकेट के हवाले से कि हमारे पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिला और हमें जाने नहीं दिया जा रहा, तो असल में अलजी साहब बात दरअसल ये है कि हमें तो पता नहीं टूर्नामेंट में भी किस तरह से बुला लिया है। सही कह रहे हैं आप, है ना, और हम तो आखिरी वक्त यही थे कि पता नहीं हम जाएंगे या कि नहीं जाएगी हमारी टीम। असल में हमने तो उस वक्त ये आखिरी हमने कील अपने ताबूत में खोद दी, कील जो डाल दी थी वो ये थी कि हमने बिग थ्री के उसमें हम रहे, हम अपनी एक हमारी वैल्यू है जनाब, हमारी टीम है, पाकिस्तान एक दुनिया में इस टीम का नाम है, हमें अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अच्छे जो है वो प्लेयर दिए हैं,
हम क्यों, हम जो है ना श्री जावेद भाई अक्सर कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, हमें जरूरत क्या है जी कि हम ये कह के जी हमें वीजा दो और हम वहां पे हमने, अरे सर अब मैं आपको ये बताऊं कि आज जो पाकिस्तान की टीम जो इसका नाम है ये हमारे लेजेंड लोगों की वजह से, आज हमारी टीम जो इस वक्त ये जावेद भाई हुए, इमरान खान हुए, वसीम अकरम हुए, ये वसीम बारी हुए, हनीफ मोहम्मद हुए, मुश्ताक, बहुत बड़ी फहरिस्त है ये, तो सुबह हो जाएगी साहब हुए, इम्तियाज अहमद साहब हुए, कौन से ऐसे नाम है जिनका नाम नहीं ले सकते, मरूम अब रहा वहाँ की हवाम का मसला, हवाम जी वहाँ की हमें बहुत चाहती है, इतना चाहती है कि जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा हमें चाहती है, लेकिन चंद लोग हैं जो कि ये बीच में रुकावट है, जो कि ये क्रिकेट को की बेस के ऊपर सारी अपनी सियासत खेल रहे हैं, सीधी बात ही है। मैं दुबई के अंदर मेरा एक बिजनेस था, यकीन करें कि सारी इंडियन मेरी मुझसे यानी कि जो है ना वो चीजें वगैरह लेते थे कि भाई पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है वो उसका जवाब नहीं, हम क्यों गिरे हुए हैं भाई, अब मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा था, ये अभी जावेद भाई जिस तरीके से बात कर रहे थे कि बिल्कुल सही कहा कि हम हमारी एक वैल्यू है, हमारा एक नाम है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम है, और आप यकीन करें कि इंडियन जो है वो हमारी चीजें भी खरीदते बड़े शौक से और हम भी उनकी चीजें बड़े शौक से खरीदते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, और कोई यानी फ्लक्चुएशन नहीं है, सिर्फ क्या है कि ये सियासत इस पे है चमक रही है, आप यकीन करें इंडियन आवाम जो है वो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं और पाकिस्तानी आवाम भी इंडियन, देखिए बात सारी ये है कि जैसे आपने कहा वीजा बेसिकली जावेद इसीलिए लेना चाह रहे हैं हम कि भाई मैच देखना चाह रहे हैं, ये थोड़ी कि हमें उनके देश से ज्यादा मोहब्बत है, हम वहां जाना चाह रहे हैं, वीजा और ये सारी चीजें पार्ट ऑफ गेम और पार्ट ऑफ क्रिकेट है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप को जब कराते हैं तो वर्ल्ड कप जो है वो आपका अपना थोड़ी है, सभी मिलके होता है, दूसरे टीम पे जब तो उसका नाम है, इसी दिन तो वर्ल्ड कप है, तो उसके अंदर जो है आप अगर जो जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उनको कोटा नहीं देंगे तो फिर वो वर्ल्ड कप, अच्छा सॉरी कमाल में परेश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, परेश साहब ये कहना चाह रहे थे कि बात ये है कि यस ये हमारा राइट है लेकिन हमें उस राइट के लिए बैग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बात ये है कि हम ना बैग कर रहे हैं यहाँ पे, ये नेशन बैग करने वाली है ही नहीं, ये नेशन वो नेशन है जो क्रिकेट खेलती है तो दिल से खेलती है, क्रिकेट देखती है तो दिल से देखती है, ये अगर अपने स्टार्स को सर पे चढ़ाती है तो अपने स्टार्स को देखना भी चाहती है उस ग्राउंड में जहां पर परफॉर्म कर रही है, तो बात यह है कि अगर आप वर्ल्ड कप कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना दिल होना चाहिए कि आप दुश्मन के मुल्क के लोगों को भी अपने अपने ग्राउंड्स में बिठा के इज्जत के साथ और मैच देखने का मौका दे, अगर आप नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो इस चीज इस वर्ल्ड कप से है क्या लेना देना, हमने तो पहले मना कर दिया हमें नहीं खेलना आपके, आप ही हमारे पीछे पड़े, हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, हर चैनल पे आके आपने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के वास्ते आ जाओ, हमारा वर्ल्ड कप फेंक जा रहा है, बिलियन डॉलर्स के हमने बहुत, हालांकि कमाल में अभी भी कहता हूं दिल से इनका अभी भी इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान ना आए, मैं क्योंकि इनको डर है कि अगर ये पाकिस्तान से हार गए तो मसला हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब जीतेंगे जावेद तो बेशुमार चैनल्स पे इंडियन चैनल्स पे यही बात चल रही है कि इंडिया में पाकिस्तान आ गई है टीम, अब इंडिया किस तरीके से न्यूजीलैंड वाली जीत से निकल के पाकिस्तान की जीत के ऊपर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो जीत के आ रही है, सिनेरियो तो डिफरेंट हो गया है, चले यही कलकत्ता में आप देख लेना, अल्लाह करे पाकिस्तान दुआ है बस जीते, आप देख लेना आपको अभी अभी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी समझ आ जाए, अच्छा बात हो रही थी बिफोर परवेश साहब ज्वाइंड अस और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, बात ये हो रही थी टॉस जीत के इतना बड़ा दिल हमारा होना चाहिए कि एक चीज जब प्रैक्टिकली एडवांटेजेस है तो हम हिस्ट्री को ना देखें कि वी आर पुअर चेजर्स या हम घबरा जाएंगे हमारे हाथ पांव फूले, जो उस दिन की एडवांटेज है वो हमें लेना चाहिए, बिल्कुल जो रियलिटी है ना उसको आप अपनाएं, हार मैंने कहा ना सबसे पहले एक चीज के गेम में हार जीत तो होनी है, मगर ये सोचा हम क्यों हारेंगे, सवाल ये पैदा हो, और फिर अगर बॉलिंग और बैटिंग का भी जो है ना, देखिए ये टॉस के ऊपर होता है, ठीक अगर आपने अपना एक माइंड सेट करें कि ठीक है हम बॉलिंग करेंगे, पहले बॉलिंग करेंगे अगर बैटिंग आ जाती है तो कोई बात नहीं, मगर एक स्ट्रेटेजी होती है ना क्रिकेट की, तो हमें स्ट्रेटेजी तो इनको वहां बनानी चाहिए, देखना चाहिए जो बेस्ट है, देखिए स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं फॉर द बेस्ट,
नॉट फॉर, यानी कि अगर हार भी जाए तो इसका मतलब आप गलत नहीं था। और प्लान ए और प्लान बी भी होता है ना आपका, तो प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, बेस्ट आपने बेस्ट ये देखा कि वहां की रियलिटी ये है भाई, ये बोले ये एवरीबॉडी नो कि हाँ नहीं इसके इस अगर ऐसी चीज है तो क्रिकेट क्या कहती है, क्या करना चाहिए। अच्छा हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, और अगर ये चीज है तो आप मुझे बताओ हमारे चार बॉलर जो है हो सकता है कि वो नकारा भी हो सकते हैं। आपने भी हो सकता है, मेरे को दुबई से कॉल किया है, बहुत बुरा लग रहा है कि आपने दुबई से हमने आपको होल्ड कराया इतनी देर। अस्सलाम वालेकुम, कौन? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, आई एम सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर, सरफराज सॉरी वेट कराया जी, दुबई से सर कैसे हैं आप? जी सरफराज साहब दुबई से बोले सर, क्या कहें जी सर? जी सर मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की अप्रिसिएशन करना चाहूंगा कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये प्रोग्राम है वो देखा जाता है। और इसमें जावेद साहब की जो फॉलोइंग है उसमें हम कमाल हम भी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जरूर आपकी क्वालिटी जी सर। और सेकंडली अभी दो सर तीन पॉइंट है मेरे में, वन बाय वन जल्दी बोल दे बस करना चाहूंगा सर। सबसे पहले सर ये है कि जावेद भाई का मुझे ये चाहिए कि जावेद साहब ये वही जावेद मियां दाद है जिन्होंने शाहिद अफरीदी को बनाया और शाहिद अफरीदी के हाथों ही इंडिया को जो है ना इंडिया के अंदर जो है ना मार दिलवाई और 140 जिसने शाहिद अफरीदी ने किया था और शाहिद अफरीदी को ओपनर भिजवाया गया था। तो एक तो ये है कि इनकी तरफ से मैं ये चाहूंगा कि आज उसको ऐसी बूस्टअप करें, ऐसा बूस्टअप करें कि इंशाल्लाह ताला वो ये जो हमारी हिस्ट्री है उसको चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे मैं एक चीज कोड करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से कि 90s के अंदर जैसे हमारी टीम जो है ना इंडिया को दबा के रखती थी, अगर उस वक्त के प्लेयर्स और पाकिस्तानी और इंडिया के प्लेयर्स को देखा जाए तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। लेकिन क्या था कि सुनील गावस्कर का मैं बयान कर पड़ रहा था, वो कह रहा था कि जो मियां दाद थे उस वक्त अपना झंडा लेकर के 200% अपनी कंट्री के लिए पैशनेट हुआ करते थे कि मैंने अपने मुल्क को लेके चलना है और अपने मुल्क के लिए मुझे खेलना है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये प्रेशर ना ले, हमारी टीम ऑन पेपर इंशाल्लाह उनसे बहुत बेहतर है। नंबर तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन के हवाले से, ये कॉम्बिनेशन के हवाले से मियां दाद से ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या ये दो स्पिनर स्पेशल जो है ना स्पिनर लेके उतरे या फिर जो पुराना वाला कॉम्बिनेशन है उसी को लेके जाया जाए तो ये बेहतर होगा। right, और बताया जो जी सर इस हवाले से है तो मैं इंशाल्लाह। और जावेद भाई का ये है कि हम पूरे दुबई के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये ऐसी टिप्स दें कि शायद अफरीदी दोबारा उठ खड़ा हो और वही टिप्स दें जो इन्होंने जो है ना अफरीदी को अपनी कोचिंग में दी थी। थैंक यू वेरी सो मच, थैंक यू। एक चीज तो वैसे मैं बता ही दूं कि जो टिप जावेद मियां दाद एक साल से कह रहे हैं जब से वर्ल्ड कप हो रहा था कि शायद अफरीदी को टॉप फोर में बैटिंग करना चाहिए, जहां उसने बैटिंग की ही गॉट रन्स। तो एक टिप तो आप ऑलरेडी दे ही चुके हैं, बाकी हुब्बुल वतनी का टिप उसको दे चुके हैं, अब आगे उसकी मर्जी, वो समझ आए ना। बात यह है कि शायद को अभी क्या है कि अब देखिए कोई बात नहीं, कोई डिफरेंट डिफरेंट टीम है और एक प्लेयर को पता होता है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है ना। अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो लाजमी देखिए मैं चाहूंगा कि शाहिद की बैटिंग जब आए तो उसको कम से कम 60-8 ओवर मिलने चाहिए कि वो 8 ओवर में वो 100 कर देगा। क्योंकि शाहिद को अपने आप नहीं पता, शाहिद से बॉलर वैसे ही घबराता है और शाहिद के एक दो शॉट लगने से उनकी टीम इतर बितर हो जाती और है। उसकी फोर आउट में पावर है उसके, अच्छा वो ऐसी है कि बैट बॉल बैट शॉट भी लगे तो उसे टेस्ट क्रिकेट खिला लें या कोई भी खिला, उसका एक नेचुरल गेम है ही कांट, अगर वो छोड़ भी नहीं सकता तो इसको जो खिलाना चाहिए हमें कि ठीक है तुम मगर थोड़ा बी सेंसिबल थोड़ा सा बस कि जब मानना है कि जब मानो एक दो बॉलें अपने हाथ में ले लो दो चार बल्ले भी ला सकते हो कि तुम ये भी शो करो कि यस आई एम नॉट स्लॉगर आई मेक द अपने शॉट्स कि मैं यहां भी मार सकता हूं यहां भी मार सकता हूं। जिस आदमी में क्वालिटी है अपनी क्वालिटी को तुम जाहिर कर रहे हो जस्ट वो जल्दी जाएंगे, इतनी जल्दी आपके शॉट नहीं लगेंगे। अच्छा जो दूसरा सवाल था उनका वो था स्पेशलिस्ट बॉलर्स में, खाने उनका इशारा ये था कि नवाब को अगर हम खिलाएं रादर देन डिपेंडिंग ऑन शाहिद अफरीदी एंड शोएब मलिक हिमसेल्फ, वहां आप क्या कहेंगे? देखिए टीम तो मैं एक तो ये होता है कि देखिए ये ऐसा है कि अगर आप जीतेंगे तो आपके तीन चार बैट्समैन ही काफी हैं,
अगर आप सोचेंगे हम आठ तक बैट्समैन ले जाए तो वो टीम नहीं, फिर आप एयर देयर में जा रहे हैं। आप अपने आप को ऐसे आप अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखे, डोंट वरी, हारने का सोचे ही नहीं, इंशाल्लाह आप नहीं हारते। तो स्पेशलिस्ट बॉलर के लिए जरूरत नहीं है हमें, हमारा पांच बॉलर जो हमारे कॉम्बिनेशन है वो दस कॉम्बिनेशन बनाता बिल्कुल, बस सिर्फ शाहिद को ये करना है कि ठीक है अगर इंडिया से मैच है, क्योंकि इंडिया के बॉलर कोई ऐसा खास नहीं है, कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है, और जहां अगर पांच छह आठ ओवर निकल जाते हैं आई थिंक ही शुड बी अगेन प्रमोट, अपने आप को करो, और मैं समझता हूं कि वही इनको है ना टॉक जो होनी चाहिए वो यही कि देखो इंडिया है कि ये कोई जरूरी नहीं है, हमारे पास इनसे हम जब जीतेंगे हमारे पास विक्ट्री हाथ में होनी चाहिए, जब अगर आपके वो विकेट रहेंगी हाथ में आप इनको ये जितने भी रन के लिए हम जीत जाएंगे। कमाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं यही बोला था, मैं हाफिजी के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह से उसको बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहिए, तो इन चैपल का एक इंटरव्यू जो आज पब्लिश हुआ वो ये है, इन चैपल कह रहे हैं कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी रह चुके हैं, वो बोल रहे हैं आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम अप द बैटिंग ऑर्डर अगेंस्ट द बेटर साइड्स, आई एम नॉट श्योर दैट दे विल अलाउ हिम टू प्ले एंड द वे ही डिड अगेंस्ट बांग्लादेश। तो चैपल आफरीदी को एडवाइस भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आफरीदी को वार्न भी कर रहे हैं कि अगर वो अप इन द ऑर्डर आएंगे तो मेरे ख्याल से उनको हर्डल होगी अच्छी टीम्स के खिलाफ खेलने के लिए। मैं एक बात बताऊं, इयान चैपल जावेद बहुत अच्छी तरह जानता है, एक तो बड़ा ऑनेस्ट और साफ गो आदमी है, खड़ी की खड़ी बात करता है, तो एक तो उसने जावेद चैपल भी सादे टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल, तो ये वो है इयान चैपल, वो है जो जिसने कहा था कि ऐसे बैट्स प्लेयर जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन टीम में चलते नहीं ज्यादा देर, तो एक तो वो साफ साफ ये बात कर रहे हैं। दूसरा देखो बहुत इंटेलिजेंट कैप्टन ऑफ द 1970s, तुमने देखा नहीं बहुत ब्रिलियंट कैप्टन था, पलख लेता था, उसका शायद यही है कि यार जिस तरीके से उसने शायद आफरीदी की इनिंग्स देखी है ना, जो उसको बॉलें मिली है मानने की, अच्छे बॉलर्स ये बॉलें वाकई नहीं देते। लेकिन जो जावेद का एक पॉइंट है ना, वहां मैं वजन ऐड करूंगा कि ये बैट्समैन ऐसा है, इसमें ऐसा टैलेंट है कि एक दफा ये ऑन फॉर्म आ जाए ना और इसके बल्ले पे गेंदे आने लगे फिर कुछ भी कर लो, लेकिन अगर इसके सारा रिकॉर्ड उठा के देखो ना तो आफरीदी ने देखो जो बड़ी रिकॉर्ड मेकिंग इनिंग्स बनाई अगेंस्ट इंडिया 2004 में, जो बहुत जबरदस्त वनडे 100 बनाई अगेंस्ट इंडिया आई, ठीक है, जो फास्टेस्ट 100 थी अगेंस्ट श्रीलंका थी नैरोबी में छोटा ग्राउंड, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट राइट, हमें इस ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे नहीं रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया में इसने कोई ऐसे स्कोर्स या इनिंग्स नहीं किए, इंग्लैंड के टूर्स पे इसने ऐसी इनिंग्स नहीं की है, साउथ अफ्रीका के टूर्स पे शायद आफरीदी ने ऐसी इनिंग्स नहीं की है, तो वो इयान चैपल रेफर कर रहा है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जितनी अच्छी बॉलिंग अटैक्स थे जितनी अच्छी पिचेस थी वहां पे ये स्कोर नहीं कर सकते। अच्छा, आज के मैच के बाद अफगानिस्तान श्रीलंका के मैच के बाद क्या लगता है आपको कि 200 का टारगेट बैटिंग फर्स्ट कोई दे सकती है टीम, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि टॉस मैटर करता है। ये देखो ना यार, अफगानिस्तान अगर 20 ओवर में 153 रन बना सकता है, अफगानिस्तान कुछ करने गया है वहां पे, अफगानिस्तान का मोटो है कि वी विल गोइंग टू चेंज, चलो इंडिया की बात करें, नहीं देखो एक होते हैं लव्स, लव्स से तो हर एक वादे कर लेता है, और एक होता है ऑन ग्राउंड, ठीक है, अगर अफगानिस्तान जैसे बैट्समैन अगेंस्ट प्रीटी गुड बॉलिंग अटैक ऑफ मैथ्यूज एंड ऑल दैट अगर 153 पे पहुंच सकते हैं तो इंडिया तो यार 200 पे पहुंच नहीं, श्रीलंका की देखिये बाद दफा क्या होता है कि नहीं नहीं सीयर मटीरियल इज नॉट देयर, आप वो तो देखें, अब वो श्रीलंका ये थोड़ी आप श्रीलंका की वो बात कर रहे हैं जिसमें संगाकारा है जिसके अंदर है ना वो सारे संगाकारा, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, उसने सारा संगाकारा ने वो क्रिकेट खेली है, डिसल्वा संगाकारा और ये इन्होंने वो क्रिकेट खेली है, सिंगल हैंडेडली लेके गए अपनी टीम को राइट, तो वो क्वालिटी जो है ना। अच्छा दूसरी बात, अगर पाकिस्तान इंडिया का तो बता दिया आपने 200 रन बना सकती है, क्योंकि देखो पाकिस्तान कैसा है, सॉरी तुम्हें बताऊं ना, आज उनकी बॉलिंग क्या थी, मैथ्यूज कुलासेकरा चमीरा हिरात परेरा, इनकी जयवर्धने और संगकारा रिटायर हुए हैं, इनका बॉलिंग अटैक वही है जो पिछले 2-3 साल से, तो इट वाज अ गुड बॉलिंग अटैक जिसके खिलाफ अफगानिस्तान 153 तक पहुंच गया। पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगा तो उसके लिए स्कोर क्या हो सकता है, आप ये बताइए। पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करे मेरे ख्याल में तो 180 से 200 के
सेफ टारगेट है। जावेद, क्लोजिंग रिमार्क से अभी हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मिनिमम करने पड़ेंगे, क्योंकि इनफैक्ट के देखिए सामने जो टीम है उनके पास भी एक बैटिंग लाइनअप अच्छी है, राइट? तो आप कम से कम उनको इतने रन दें कि जो उनको यानी कि आसानी से वो ना कर सके, उनको मेहनत 200। जावेद ने भी यही कहा कि ऐसा स्कोर दें जो मेहनत करना पड़े। उन्हें नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने हमें ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जब तक जावेद मियादाद, क्रिकेट का बादशाह कमाल फरीदी और मुझे सोहेब अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये है भाई, ये बॉल है, ये एवरीबॉडी नो कि हाँ नहीं, इसके इस अगर ऐसी चीज है तो क्रिकेट क्या कहती है, क्या करना चाहिए। अच्छा, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। और अगर ये चीज है तो आप मुझे बता, हमारे चार बॉलर जो है हो सकता है कि वो नकारा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दुबई से कॉल किया है, बहुत बुरा लग रहा है कि आपने दुबई से हमने आपको होल्ड कराया इतनी देर। अस्सलाम वालेकुम, कौन? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, आई एम सो सॉरी। सॉरी, वेट कराया जी, दुबई से सर, कैसे हैं आप जी? सरफराज साहब दुबई से बोले सर, क्या कहे सर? जी सर, मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की अप्रिसिएशन करना चाहूंगा कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये प्रोग्राम है वो देखा जाता है। इसमें जावेद साहब की जो फॉलोइंग है उसमें हम कमाल हम भी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जरूर आपकी जी सर। और सेकेंडली, अभी दो सर तीन पॉइंट है मेरे में, वन बाय वन जल्दी बोलते करना चाहूंगा सर। सबसे पहले सर ये है कि जावेद भाई का मुझे ये चाहिए कि जावेद साहब, ये वही जावेद मियादाद है जिन्होंने शाहिद अफरीदी को बनाया और शाहिद अफरीदी के हाथों ही इंडिया को जो है ना, इंडिया के अंदर जो है ना मार दिलवाई और 140 जिसने शाहिद अफरीदी ने किया था और शाहिद अफरीदी को ओपनर भिजवाया गया था। तो एक तो ये है कि इनकी तरफ से मैं ये चाहूंगा कि आज उसको ऐसी बूस्टअप करें, ऐसा बूस्टअप करें कि इंशाल्लाह ताला वो ये जो हमारी हिस्ट्री है उसको चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे मैं एक चीज कोड करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से कि 90s के अंदर जैसे हमारी टीम जो है ना इंडिया को दबा के रखती थी, अगर उस वक्त के प्लेयर्स और पाकिस्तानी और इंडिया के प्लेयर्स को देखा जाए तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। लेकिन क्या था कि सुनील गावस्कर का मैं बयान कर पड़ रहा था, वो कह रहा था कि जो मियादाद थे उस वक्त अपना झंडा लेकर के 200% अपनी कंट्री के लिए पैशनेट हुआ करते थे कि मैंने अपने मुल्क को लेके चलना है और अपने मुल्क के लिए मुझे खेलना है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये प्रेशर ना ले, हमारी टीम ऑन पेपर इंशाल्लाह उनसे बहुत बेहतर है। नंबर तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन के हवाले से, ये कॉम्बिनेशन के हवाले से मियादाद से ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या ये दो स्पिनर स्पेशल जो है ना स्पिनर लेके उतरे या फिर जो पुराना वाला कॉम्बिनेशन है उसी को लेके जाया जाए तो ये बेहतर होगा। right, और बताया जो जी सर इस हवाले से है तो मैं इंशाल्लाह। और जावेद भाई का ये है कि हम पूरे दुबई के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये ऐसी टिप्स दें कि शायद अफरीदी दोबारा उठ खड़ा हो और वही टिप्स दें जो इन्होंने जो है ना अफरीदी को अपनी कोचिंग में दी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चीज तो वैसे मैं बताई दूं कि जो टिप जावेद मियादाद एक साल से कह रहे हैं जब से वर्ल्ड कप हो रहा था कि शायद अफरीदी को टॉप फोर में बैटिंग करना चाहिए, जहां उसने बैटिंग की ही गॉट रन्स। तो एक टिप तो आप ऑलरेडी दे ही चुके हैं, बाकी हुबुल वतनी का टिप उसको दे चुके हैं, अब आगे उसकी मर्जी, वो समझ आए ना। बात यह है कि शायद को अभी क्या है कि अब देखिए कोई बात नहीं, कोई डिफरेंट डिफरेंट टीम है और एक प्लेयर को पता होता है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है ना। अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो लाजमी देखिए मैं चाहूंगा कि शाहिद की बैटिंग जब आए तो उसको कम से कम 60-8 ओवर मिलने चाहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जावेद, कुछ क्रिकेट की तरफ आते हैं। सैटरडे को मैच 5 से 7 बजे शुरू होगा, सॉरी 7 बजे शुरू होगा। ये बताए कि जो आज मैच हुआ कोलकाता में हुआ, इसी टाइमिंग्स में हुआ जिन टाइमिंग्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच, आज के मैच से कोई क्लू मिला आपको कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू होगा? बिकॉज दिलशान ने अपनी एंड ऑफ द मैच स्पीच में बोला कि हमें जरा सी एडवांटेज मिली कि ड्यू था तो अफगानिस्तान के बॉलर्स इतनी अच्छी ग्रिप नहीं कर सक रहे थे। मतलब इवन श्रीलंका हैड टू एडमिट कि कुछ हमें ड्यू फैक्टर की वजह से हम बच गए, लेकिन द फैक्ट इज कि ड्यू था। तो ऐसे मौके के ऊपर Do you think Pakistan should try and bowl first?
ऑल्दो हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, हमारी चेजिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 2014 एशिया कप में याद है हमने चेस करते हुए इंडिया को हराया था। तो इट्स नॉट के हम हरा नहीं सकते, हमारी ख्वाहिश ये रहती है, बट विद द ड्यू फैक्टर कमिंग इन, शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, हमारे पास दो स्पिनर्स तो यही हैं, इमाद वसीम अगर खेलता है, अगर नवाज खेलता है, तो हमारे पास कम से कम 10 ओवर्स ऐसे होंगे जो स्पिनर्स कराएंगे। देखिए इसका जैसे कल मैं बता देते हैं कि आज भी कि हमें अगले मैच के लिए प्रिपरेशन जो है पाकिस्तान को करने चाहिए, कि पता है कि जी ये तो टॉस के ऊपर है, आप कुछ नहीं कर सकते, टॉस इज अप टू हिम कि पहले बॉलिंग करे या बैटिंग करे, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करने चाहिए। अगर वहां ड्यू फैक्टर है तो आप उसके लिए यही है कि जैसे मैंने पहले भी सजेशन दोपहर को मैं कह रहा था कि गीली बॉल करके ये जब नेट प्रैक्टिस में जाए तो हमारे लड़कों को चाहिए कि बॉल को गीला करके ना बॉलिंग करें, क्योंकि मैं जब यहाँ इनके साथ कोच था तो हम जो पंजाब में खेल रहे थे तो फैसलाबाद में हमारा शायद मैच था, तो आई डिड द सेम थिंग, इवनिंग में हमने मैचेस जो था क्योंकि वहां तो 3-4 बजे के बाद ये, तो उसके बाद है ना मैंने बाल्टी ली, पानी भर के सारी बॉलें डाल दी मैंने, और नेट प्रैक्टिस हो रही थी हर बॉलर को कि इससे गेंद करो गेंद करो, कुछ नहीं तो आपको आइडिया तो हो जाएगा, अगर ये आप करके ना जाए और अचानक आपको ये चीज वहां मिल जाए तो यू डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा एक बात बताए, तो यूज्ड टू होना चाहिए कि चले प्रैक्टिस कर ली, यूज्ड टू हो गए, लेकिन अगर टॉस जीता एंड कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस दैट आई एम मेंशनिंग, डू यू थिंक पाकिस्तान को रिस्क लेना चाहिए और बॉल फर्स्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना ड्यू को अवॉइड करें, बिकॉज 10 ओवर आपके स्पिनर्स ही कराएंगे, तो एक रिस्क लेना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं देखिए बड़ा करके फेस करें, बिल्कुल आप अगर समझते हैं अगर इतना ज्यादा ये है तो देन फिर विदाउट थिंक के आप, क्योंकि अगर वो टॉस जीत जाते हैं तो जस्ट पुट इट इन दिस वे, ठीक है ना, तो इसके ऊपर नहीं, मगर एडवांटेज अगर है तो आप एडवांटेज लें जरूर, बोल्ड होके लें, अब उसमें हेजिटेट ना करें आप, क्योंकि हार जीत तो खेलने के बाद होती है, एक तो पहले से ले लिया है, फैसला ले लिया तो आपने ले लिया, आप अगर माइंड सेट कर लें कि ठीक है यार ये है और वाकई हमें प्रॉब्लम होगी और होती है, क्योंकि एंड में अगर गीला ग्राउंड हो तो फिर फील्डर्स के लिए भी इतनी आसान फील्डिंग करना नहीं है, और आज ये देख रहे हैं अफगानिस्तान के फील्डर्स से 2-4 बाउंड्री छुटी बिकॉज स्लिप हो गई, और बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, बॉलर को कंट्रोल करना, क्योंकि फिर ट्रेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, गीली विकेट अगर स्पिनर गेंद भी कर रहा है तो गेंद जो है ना और फिर विकेट के भी ऊपर भी तो मॉइस्चर होगा। कल हमने देखा ना राशिद और मोइन को गेल ने किस तरह उठा उठा के मारा इस पे। सॉरी जावेद आपकी जरा बात इंटरप्ट करूंगा, हमारे साथ एक कॉलर ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा? जी वालेकुम सलाम जी, परवेज बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे? कराची से बात कर रहा हूँ। परवेज बोले, जावेद से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जावेद भाई से भी कुछ कहूंगा और कुछ मैं और मैं अपने थोड़े से कमेंट भी दूंगा। तो ये है कि जैसे अभी मैं सुन रहा था कि क्रिकेट के हवाले से कि हमारे पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिला और हमें जाने नहीं दिया जा रहा, तो असल में अलवी साहब बात दरअसल ये है कि हमें तो पता नहीं टूर्नामेंट में भी किस तरह से बुला लिया है। सही कह रहे हैं आप, है ना, और हम तो आखिरी वक्त यही थे कि पता नहीं हम जाएंगे या कि नहीं जाएगी हमारी टीम। असल में हमने तो उस वक्त ये आखिरी हमने कील अपने ताबूत में खोद दी, कील जो डाल दी थी वो ये थी कि हमने बिग थ्री के उसमें हम रहे, हम अपनी एक हमारी वैल्यू है जनाब, हमारी टीम है, पाकिस्तान एक दुनिया में इस टीम का नाम है, हमें अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अच्छे जो है वो प्लेयर दिए हैं, हम क्यों हम जो है ना, जावेद भाई अक्सर कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, हमें जरूरत क्या है जी कि हम ये कह के जी हमें वीजा दो और हम वहां पे हमने, अरे सर अब मैं आपको ये बताऊं कि आज जो पाकिस्तान की टीम जो इसका नाम है ये हमारे लेजेंड लोगों की वजह से, आज हमारी टीम जो इस वक्त ये जावेद भाई हुए, इमरान खान हुए, वसीम अकरम हुए, ये वसीम बारी हुए, हनीफ मोहम्मद हुए, मुश्ताक, बहुत बड़ी फहरिस्त है, ये तो सुबह हो जाएगी, अगर साहब हुए, इम्तियाज अहमद साहब हुए, कौन से ऐसे नाम है जिनका नाम नहीं ले सकते? अब रहा वहाँ की हवाम का मसला, हवाम जी वहाँ की हमें बहुत चाहती है,
इतना चाहती है कि जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा हमें चाहती है, लेकिन चंद लोग हैं जो कि ये बीच में रुकावट है, जो कि ये क्रिकेट को की बेस के ऊपर सारी अपनी सियासत खेल रहे हैं। सीधी बात ये, मैं दुबई के अंदर मेरा एक बिजनेस था, यकीन करें कि सारी इंडियन मेरी मुझसे यानी कि जो है ना वो चीजें वगैरह लेते थे कि भाई पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है वो उसका जवाब नहीं। हम क्यों गिरे हुए हैं भाई, अब मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा था। ये अभी जावेद भाई जिस तरीके से बात कर रहे थे कि बिल्कुल सही कहा कि हमारी एक वैल्यू है, हमारा एक नाम है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम है। और आप यकीन करें कि इंडियन जो है वो हमारी चीजें भी खरीदते बड़े शौक से और हम भी उनकी चीजें बड़े शौक से खरीदते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और वहां पर कोई यानी फ्लक्चुएशन नहीं है। सिर्फ क्या है कि ये सियासत इस पे है, चमक रही है। आप यकीन करें इंडियन आवाम जो है वो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं और पाकिस्तानी आवाम भी इंडियन। देखिए बात सारी है कि जैसे आपने कहा वीजा तो 8 ओवर में वो 100 कर देगा, क्योंकि शाहिद को अपने आप नहीं पता, शाहिद से बॉलर वैसे ही घबराता है और शाहिद के 1-2 शॉट लगने से उनकी टीम इतर बितर हो जाती और है। उसकी फोर आउट में एक पावर है, वो ऐसी है कि बैट बॉल बैट शॉट भी लगे तो उसे टेस्ट क्रिकेट खिलाने या कोई भी खिला, उसका एक नेचुरल गेम है ही कांट, अगर वो छोड़ भी नहीं सकता तो इसको जो खिलाना चाहिए हमें कि ठीक है तुम, मगर थोड़ा बी सेंसिबल थोड़ा सा बस, कि जब मानना है कि जब मानो 1-2 बॉलें अपने हाथ में ले लो, दो चार बल्ले भी ला सकते हो, कि तुम ये भी शो करो कि यस आई एम नॉट अ स्लॉगर, आई मेक द अपने शॉट्स कि मैं यहां भी मार सकता हूं यहां भी मार सकता हूं। जिस आदमी में क्वालिटी है अपनी क्वालिटी को तुम जाहिर कर रहे हो, जस्ट वो जल्दी जाके इतनी जल्दी आपके शॉट नहीं लगेंगे। अच्छा जो दूसरा सवाल था उनका वो था स्पेशलिस्ट बॉलर्स में, खाने उनका इशारा ये था कि नवाब को अगर हम खिलाएं रादर देन डिपेंडिंग ऑन शाहिद आफरीदी एंड शोएब मलिक हिमसेल्फ, वहां आप क्या कहेंगे? देखिए टीम तो मैं एक तो ये होता है कि देखिए ये ऐसा है कि अगर आप जीतेंगे तो आपके 3-4 बैट्समैन ही काफी है। अगर आप सोचेंगे हम 8 तक बैट्समैन ले जाए तो वो टीम नहीं, फिर आप एयर देयर में जा रहे हैं, आप अपने आप को ऐसे आप अच्छा खेल रहे हैं कॉन्फिडेंस रखे डोंट वरी हारने का सोचे ही नहीं, इंशाल्लाह आप नहीं हारते। तो स्पेशलिस्ट बॉलर के लिए जरूरत नहीं है हमें, नहीं हमारा 5 बॉलर जो हमारे कॉम्बिनेशन है वो 10 कॉम्बिनेशन बनाता बिल्कुल, बस सिर्फ शाहिद को ये करना है कि ठीक है अगर इंडिया से मैच है, क्योंकि इंडिया के बॉलर कोई ऐसा खास नहीं है, कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है, और जहां अगर 5-6-8 ओवर निकल जाते हैं आई थिंक ही शुड बी अगेन प्रमोट अपने आप को करो, और मैं समझता हूँ कि वही इनको है ना टॉक जो होनी चाहिए वो यही कि देखो इंडिया है कि ये कोई जरूरी नहीं है, हमारे पास इनसे हम जब जीतेंगे हमारे पास विकेट हाथ में होनी चाहिए, जब अगर आपके पास विकेट रहेंगी हाथ में आप इनको ये जितने भी रन के लिए हम जीत जाएंगे। कमाल आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं यही बोल रहा था, मैं आफरीदी के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरीके से उसको बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहिए, तो एन चैपल का एक इंटरव्यू जो आज पब्लिश हुआ वो ये है, एन चैपल कह रहे हैं कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी रह चुके हैं, वो बोल रहे हैं आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम अप द बैटिंग ऑर्डर अगेंस्ट द बेटर साइड्स, इट आई एम नॉट श्योर दैट दे विल अलाउ हिम टू प्ले एंड द वे ही डिड अगेंस्ट बांग्लादेश। तो चैपल आफरीदी को एडवाइस भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आफरीदी को वार्न भी कर रहे हैं कि अगर वो अप इन द ऑर्डर आएंगे तो मेरे ख्याल से उनको हर्डल होगी अच्छी टीम्स के खिलाफ खेलने का। मैं एक बात बताऊं, ईएन चैपल जावेद बहुत अच्छी तरह जानता है, एक तो बड़ा ऑनेस्ट और साफ गो आदमी है, खरी की खरी बात करता है, तो एक तो उसने जावेद बिल्कुल तो ये वो है, इयान चैपल वो है जो जिसने कहा था कि ऐसे बैट्स प्लेयर जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन टीम में चलते नहीं ज्यादा देर, तो एक तो वो साफ साफ ये बात कर रहे हैं। दूसरा देखो बहुत इंटेलिजेंट कैप्टन ऑफ द 1970, बेसिकली जावेद इसीलिए लेना चाह रहे हैं हम कि भाई मैच देखना चाह रहे हैं, ये थोड़ी कि हमें उनके देश से ज्यादा मोहब्बत है, हम वहां जाना चाह रहे हैं। वीजा और ये सारी चीजें पार्ट ऑफ गेम और पार्ट ऑफ क्रिकेट है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप को जब कराते हैं तो वर्ल्ड कप जो है वो आपका अपना थोड़ी है, सबका मिलके होता है, दूसरे पे जब तो उसका नाम है इसीलिए तो वर्ल्ड कप है, तो उसके अंदर जो है आप अगर जो जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उनको कोटा नहीं देंगे
तो फिर वो वर्ल्ड कप। अच्छा मैं सॉरी कमाल की जा रहा था, मेरे ख्याल में परवेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। परवेज साहब ये कहना चाह रहे थे कि बात ये है कि यस ये हमारा राइट है, लेकिन हमें उस राइट के लिए बैग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बात ये है कि हम ना बैग कर रहे हैं यहाँ पे, ये नेशन बैग करने वाली है ही नहीं। ये नेशन वो नेशन है जो क्रिकेट खेलती है तो दिल से खेलती है, क्रिकेट देखती है तो दिल से देखती है। ये अगर अपने स्टार्स को सर पे चढ़ाती है तो अपने स्टार्स को देखना भी चाहती है उस ग्राउंड में जहाँ पे परफॉर्म कर रही है। तो बात यह है कि अगर आप वर्ल्ड कप कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना दिल होना चाहिए कि आप दुश्मन के मुल्क के लोगों को भी अपने अपने ग्राउंड्स में बिठा के इज्जत के साथ और मैच देखने का मौका दे। अगर आप नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो इस चीज इस वर्ल्ड कप से है क्या लेना देना? हमने तो पहले ही मना कर दिया हमें नहीं खेलना, आपके आप ही हमारे पीछे पड़े, हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, हर चैनल पे आके आपने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के वास्ते आ जाओ, हमारा वर्ल्ड कप से एक जा रहा है बिलियन डॉलर्स की हमने बहुत। हालांकि कमाल मैं अभी भी कहता हूँ दिल से इनका अभी भी इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान ना आए, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये पाकिस्तान से हार गए तो मसला हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब जीतेंगे जावे तो बेशुमार चैनल्स पे इंडियन चैनल्स पे यही बात चल रही है कि इंडिया में पाकिस्तान आ गई है टीम। अब इंडिया किस तरीके से न्यूजीलैंड वाली जीत से निकल के पाकिस्तान की जीत के ऊपर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो जीत के आ रही है, सिनेरियो तो डिफरेंट हो गया है। चले यही कलकत्ते में आप देख लेना, अल्लाह करे पाकिस्तान, दुआ है बस जीते, आप देख लेना आपको अभी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही समझ आ जाए। अच्छा बात हो रही थी बिफोर परवेज साहब ज्वाइंड अस और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, बात ये हो रही थी टॉस जीत के इतना बड़ा दिल हमारा होना चाहिए कि एक चीज जब प्रैक्टिकली एडवांटेजेस है तो हम हिस्ट्री को ना देखें कि वी आर पुअर चेजर्स या हम घबरा जाएंगे हमारे हाथ पांव फूले, जो उस दिन की एडवांटेज है वो हमें लेना चाहिए। बिल्कुल, जो रियलिटी है ना उसको आप अपनाएं। हार मैंने कहा ना सबसे पहले एक चीज के गेम में हार जीत तो होनी है, मगर ये सोचा हम क्यों हारेंगे, सवाल ये पैदा हो। और फिर अगर बॉलिंग और बैटिंग का भी जो है ना, देखिए ये टॉस के ऊपर होता है, ठीक, अगर आपने अपना एक माइंड सेट करें कि ठीक है हम बॉलिंग करेंगे, पहले बॉलिंग करेंगे अगर बैटिंग आ जाती है तो कोई बात नहीं, मगर एक स्ट्रेटेजी होती है ना क्रिकेट की, तो हमें स्ट्रेटेजी तो इनको वहां बनानी चाहिए, देखना चाहिए जो बेस्ट है। देखिए स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं फॉर द बेस्ट, नॉट फॉर, यानी कि अगर हार भी जाए तो इसका मतलब आप गलत नहीं थे। प्लान ए और प्लान बी भी होता है ना आपका, तो प्लान ए होता है, बेस्ट, बेस्ट ये देखा कि वहां की